ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में एक अवार्ड है और मैं उस बारे में हिंदी में ही बात करना चाहूँगा। ये अवार्ड हम दे रहे हैं कोयल कारो जन संगठन को। कोयल कारो जन संगठन के अथक प्रयास और बहुत समय से चले आ रहे स्ट्रगल को रिकग्नाइज करते हुए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोयल कारो से हमारे यहाँ श्री सोमा मुंडा जी जो हेड हैं संस्था के वो पधारे हैं और श्री धनिक गुरिया जी जो लीगल एडवाइज़र हैं कोयल कारो जन संगठन के वो हमारे बीच हैं। इस अवार्ड से संबंधित साइटेशन मैं पढ़ूंगा। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ इंडिया रिवर वीक 2014 हैव ग्रेट प्लेजर इन अवार्डिंग द भागीरथ प्रयास सम्मान टू कोयल कारो जन संगठन in appreciation of its dedicated, valiant, untiring efforts to safeguard the integrity of river Koyal and Karo in Jharkhand. Koyal and Karo are tributaries of river Brahmini in the state of Jharkhand, threatened by the Koyal-Karo hydroelectric projects. Koyal-Karo Jan Sangathan was born in 1976, that's a time when I was also born, as a community mobilization effort to conserve their sacred sites and to look at alternative development paths in place of the proposed Koyal Karo Dam. The Sangathan has carried on a long and heroic struggle in the face of enormous pressures from the vested interests, battling tremendous odds to forge one of the India's foremost resistance movements to save rivers, riverine communities and their culture. In February 2008, people died in police firing during the struggle. The project remains cancelled due to this struggle. The Sangathan has demonstrated the use of many innovative methods of struggling, including people's curfew and people's checkpoints. The Sangathan has successfully mobilized support from villagers, academicians, and political parties to ensure that their rivers are still flowing free and pristine. Women of the river basin have played a key role in Sangathan's work. It is an honor to recognize and celebrate the extraordinary and truly Bhagirathan efforts of the Koyal Karo Sangathan in ensuring the integrity of rivers Koyal and Karo. Thank you. I will now run a video of Koyal Karo Sangathan. स्टेज पर बुलाना चाहूँगा श्री सोमा मुंडा जी को और श्री धनिक गुरिया जी को अवार्ड के लिए।
मैं श्री सोमा मंडल जी से गुजारिश करूंगा कुछ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आइए सोमा। गुड इवनिंग फॉर ऑल। अच्छा तो हम पहले बोल चुके हैं आप के सामने, हम जो कुछ हमने जिस तरह से हम लोग संघर्ष किया उसके विषय में इससे पहले हम कह चुके हैं, लेकिन अभी हमको जो संघर्ष का नतीजा जो मिला है मेरे वास्ते नहीं है, ये हमारे जो जनता जिन्होंने भूख प्यास करके लगभग 21 वर्ष तक संघर्ष में जुड़े रहे और इसका नतीजा जो कि आप का इसके जो मालिक या एक जानने वाला आप लोग ने कोयल कार्य जन संगठन को खोज निकला, जो हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ा है वो बिल्कुल गरीब जनता, यदि अगर आप 1995 वाला रैली को देखेंगे ना, उसमें सब आदमी बिल्कुल भूखे नंगा रह करके हम लोगों ने जो संघर्ष लड़ा है इतना शायद ही भारत में या विदेश में भी नहीं लड़ा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ये जो हमारी भागी जो हमको आप लोगों ने जो सम्मानित किया है वो मेरा सम्मान नहीं है, इसमें पूरे जन संगठन का ही सम्मान है। और जो कि अभी ये भागीरथ प्रयास से आप लोगों ने हमें हमारे जन संगठन को आप लोगों ने सम्मानित किया है, उसके लिए मैं आप सबों को और जो मंच में बैठे हुए हैं उन सबों को मेरे तरफ से मेरा गुजारिश है परमात्मा से कि इस तरह से जहाँ जी लोग छिपे हुए हैं जिनका जो पूछ नहीं है उनको भी आप लोगों ने हमारे जैसे लोगों को आप लोगों ने ढूंढ निकाला। तो इसलिए सच्चाई कहते हैं सच्चाई छिप नहीं सकती है झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है झूठे है ना सच में। इसलिए हम गए, इसलिए आपके हम बहुत बहुत ही हम इतना बहुत ही जिसका हम बोल नहीं सकते हैं इससे हम गदगद हैं, और आप सबों को एक हमारे तरफ से भगवान को लेकर आप सबों का आशीर्वाद हो। और इस तरह से जितना भी जो इस दुनिया में जो जिसके ऊपर अन्याय चल रहा है अत्याचार चल रहा है उस जुल्म को हटाने के लिए आपको भी भगवान सामर्थ्य दे, इतने ही कह करके हम समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद। Thank you, Soma Munda ji. We now wish to felicitate the jury. So we request Honorable Justice Madan Lokur ji to felicitate the members of the jury. I therefore request Professor Ramaswamy Iyer ji. श्री अनुपम मिश्र जी, डॉक्टर अमिता बावेस्कर, यशी जी, Thank you.